Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about class 10th board strategy for the entire year. हमें क्या क्या चीजें follow करनी है from the starting, because हम पहली बार boards दे रहे होंगे तो क्या क्या चीजें follow करनी है, क्या चीजें avoid करनी है, हर एक चीज हम आज के इस वीडियो में discuss करने वाले हैं. And this video is for all the subjects. हर एक subject को हमें किस तरीके से cover करना है वही हम discuss करेंगे. And this is for the new session 2023 से 2024 boards वाले student जितने भी हैं उनके लिए ये हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो रहने वाली है. सबसे पहले ना हम जैसे 9th टू 10th जा रहे होते हैं तो हमारे मन में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या जिस लेवल का पेपर हमारा 9th क्लास में आया था सेम वही लेवल 10th का भी रहता है. तो ऐसा नहीं होता है. जनरली 11th जो है ज्यादा डिफिकल्ट कंसिडर करते हैं बच्चे एज कम्पेयर टू क्लास 12th. इन द सेम वे ना 9th हमें थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है एज कम्पेयर टू क्लास 10th. सो क्लास 10th इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मच इजियर देन क्लास 9th. अगर तुम सोच रहे हो कि हम 10th में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस होगा एंड हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. क्लास 10th का जो सिलेबस होगा ना तुम्हें कंपैरेटिवली ना इजी लगेगा देन क्लास 9th. तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी. बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, इवन मेरे भी था जब मैं क्लास 10th में गई थी फ्रॉम क्लास 9th. एंड 9th में ना बिकॉज हमारे स्कूल में पेपर्स बनते हैं, बट अभी ऐसा नहीं होने वाला है. तुम लोग के होंगे बोर्ड्स तो ये जो पेपर होगा ना सब बच्चों के लिए सेम रहेगा. स्कूल के टीचर्स जनरली कभी भी अगर पेपर बनाते हैं ना तो वो डिफिकल्ट ही बनाते हैं, बट बोर्ड्स में इतना डिफिकल्ट लेवल हमारा नहीं होता है तो तुम इजिली कर लोगे. तो आई थिंक ये वाला भी क्लियर हो गया होगा. जो भी तुम्हारे यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे या हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स ले रहे होंगे वो तो टीचर्स ही बनाएंगे, एंड वो कंपैरेटिवली ना डिफिकल्ट होता है बिकॉज यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन हो रही होती है फॉर बोर्ड्स. तो बी रेडी कि जो भी तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे या फिर हाफ ईयरली होंगे उनमें जो भी पेपर आएगा ना वो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट रहेगा ही. उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट में जो कि है हमारा साइंस. साइंस में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, या तो तुम स्कूल से पढ़ सकते हो, स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे से सुनो, नोट्स वहीं पे बनाते जाओ जो भी चीजें बता रहे हैं रफ नोट्स टाइप. या फिर अगर तुम्हें लगता है कि स्कूल में उतने अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं या इवन अगर वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली ना यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट्स अवेलेबल हैं, उनको देख सकते हो. इफ यू वॉन्ट कि मैं वन शॉट्स अपलोड करूं फॉर साइंस सो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. उसके बाद एनसीईआरटी हमें रीडिंग करनी है. एनसीईआरटी को ना बहुत अच्छे से पढ़ना है. एक तो ऑलरेडी हमारा बहुत कम सिलेबस है एंड उसमें भी ना एनसीईआरटी में बहुत ही शॉर्ट वे में हर एक चीज गिवन है, तो एनसीईआरटी रीडिंग डेफिनेटली करनी है. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं एनसीईआरटी में जो हमें उतने अच्छे से नहीं समझ में आते हैं, उनके लिए हमें रेफरेंस बुक्स प्रेफर करनी है. एस चांद इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन क्योंकि मैंने खुद एस चांद यूज करी थी. इवन अभी भी मैं बीएससी में हूँ, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो एस चांद की काफी अच्छी हैं तो हम अभी भी उनको यूज करते हैं. तो एस चांद की बुक डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो साइंस के लिए. उसके बाद हम आ जाते हैं नोट्स पे. तो नोट्स हमें डेफिनेटली बनाने हैं बिकॉज ये इन द लॉन्ग रन हमें हेल्प करते हैं रिविजन में. तो रिविजन के लिए नोट्स अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स डेफिनेटली बनाने हैं. इफ यू वॉन्ट कि रफ नोट्स हमें चाहिए हैं आप प्रोवाइड कर दो, सो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगेन. इसके बाद नोट्स हमारे बन गए, एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह हमने कर ली, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है वो हमने कर लिए. फिर हम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, सो यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. अगर तुम लोग को रिकमेंडेशन चाहिए है कि कौन से हमारे बेस्ट क्वेश्चन बैंक हैं सो डेफिनेटली लेट मी नो. PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक आती है 10 PYQs, ओसवाल गुरुकुल की तुम प्रेफर कर सकते हो. तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना हमें उन्हें तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन में अटक गए, कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में ना तुम फिलो एप्लीकेशन का डेफिनेटली यूज कर सकते हो. दिस इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन जहाँ पे इंस्टेंटली विद इन 60 सेकेंड्स तुम लाइव ट्यूटर्स से कनेक्ट हो सकते हो. बहुत अच्छे से ट्यूटर्स तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा है ना तभी भी यू कैन इजिली गेट कनेक्टेड. यहाँ पे ट्यूटर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं, विच मीन्स अगर तुम नाइट स्टडी कर रहे हो उस केस में भी यू कैन इजिली गेट कनेक्टेड. यूज कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है, वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो. एंड जब भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना तो सिंपली क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है. जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसकी फोटो क्लिक कर लेना, स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको क्रॉप कर लेना, एंड विद इन 60 सेकेंड्स एन एक्सपर्ट ट्यूटर विल गेट कनेक्टेड टू यू. ऑल द ट्यूटर्स ऑन फिलो आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे हर एक कॉन्सेप्ट. तो इस एप्लीकेशन का डेफिनेटली यूज करना बिकॉज एंटायर क्लास 10th में ये एप्लीकेशन तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. तो आई थिंक साइंस का तो समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है. फिर हम आ जाते हैं सैंपल पेपर्स में. सैंपल पेपर्स हमें हर एक सब्जेक्ट में प्रिपेयर करने ही है. हमें सैंपल पेपर्स क्यों प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज तुम्हारा पैटर्न चेंज हुआ है तो जो भी हमारा लेटेस्ट पैटर्न है ना उसके हिसाब से ही हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं रहती है क्योंकि एनसीईआरटी में हमें एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, केस स्टडी टाइप
क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसीलिए वी हैव टू प्रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैम्पल पेपर्स। बस यही रीजन है कि हमें ये सारी चीजें भी प्रेफर करनी है। उसके बाद रिविजन, रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक सब्जेक्ट में। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है ना, क्वेश्चन बैंक, फिर पीवाईक्यूज, फिर सैम्पल पेपर्स, ये हर एक सब्जेक्ट में फॉलो होनी ही है। उसके बाद आ जाते हैं हम सोशल साइंस में। सबसे पहले या तो स्कूल से पढ़ लो या फिर सिंपली वन शॉट्स अवेलेबल रहते हैं, एंड एनसीईआरटी रीडिंग ना डेफिनेटली करनी है। मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत अच्छे से रीड करी थी, हाईलाइट कर लेना जो भी तुम्हें लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना वही चीज हमें फॉलो करनी है, हमें क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देखो, सोशल साइंस के लिए रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी इज इनफ, सिर्फ हमें एनसीईआरटी करनी है। साइंस में मैंने डेफिनेटली प्रेफर करा बिकॉज उसमें उतने अच्छे से नहीं गिवन है, बट सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी इनफ है। इसके बाद हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन प्रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड द सैम्पल पेपर्स। फिर हम आ जाते हैं मैथ्स में। मैथ्स में देखो, सबसे पहले ना हमें एनसीईआरटी तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। एक आते हैं हमारे डिटेल लेक्चर्स जिसमें हर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कराया होगा, एक होते हैं वन शॉट्स, एंड स्कूल में भी जनरली कुछ क्वेश्चन स्किप करा देते हैं टीचर्स। तो हमें क्या करना है, स्कूल में तो डेफिनेटली अच्छे से करना ही है, बट अगर स्कूल में उतने अच्छे से नहीं समझ में आता है ना, आई विल सजेस्ट यू कि पहले ना वन शॉट्स देखना जिसमें हर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कराते हैं बट तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले ना हमने उस वन शॉट से पढ़ लिया है, हमें चीजें समझ में आ गई, कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कर लिए, फिर एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस है ना हमें खुद से ट्राई करने हैं। अगर हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहे हैं देन प्रेफर द डिटेल्ड लेक्चर्स। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ना एनसीईआरटी सिर्फ इनफ नहीं रहती है मैथ्स के लिए, तो डेफिनेटली आरडी शर्मा को प्रेफर कर सकते हो। मैंने पूरी आरडी शर्मा सॉल्व करी थी क्लास 10th में। इसके साथ साथ ना एस चांद आती है, वो दो पार्ट्स में अवेलेबल थी उस टाइम पे, अभी का मुझे नहीं पता है कि कितने पार्ट्स में है, तो एस चांद उस टाइम पे दो पार्ट्स में अवेलेबल थी, एंड वो दोनों पार्ट्स ना मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा था एस चांद का भी, बिकॉज मैथ्स मेरा हमेशा से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेती थी। बट अगर तुम लोग नहीं चाहते हो इतनी बुक्स प्रेफर करना तो एक कर लेना, जैसे आरडी शर्मा इज इनफ। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथ्स, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद हमारे पास वही चीज है कि उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी कैन प्रेफर द पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स में ना हमें एमसीक्यूज मिल जाएंगे, MCQs में ही इसमें assertion reason type questions भी होते हैं, then हमारे पास case study type questions भी हमें मिल जाएंगे, इसीलिए हमें sample papers ना definitely देखने हैं। उसके बाद languages like हिंदी हो गया, English हो गया, इसके लिए हमें कैसे prepare करना है, तो यहाँ पे school से या तो simply तुम सुन सकते हो जो भी teachers हमें पढ़ा रहे हैं, या फिर simply ना summary videos आती हैं, videos भी आती हैं और summaries book में भी available रहती हैं, तो summaries तुम read भी कर सकते हो and सुन भी सकते हो। वैसे I will definitely suggest कि जितनी हमारे पास book है ना उनकी reading definitely करना, because मैं हमेशा से, चाहे क्लास 11th में हूँ, 12th में हूँ, मैं बुक की रीडिंग चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो हमेशा से ही करती हूँ, तो इसीलिए आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू पीपल कि रीडिंग डेफिनेटली कर लेना। रीडिंग की एक तो हैबिट भी बिल्ड हो जाएगी एंड इवेंचुअली एग्जाम्स में भी वो बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने घंटे हमें पढ़ना है ऑन अ डेली बेसिस, तो 2 से 3 घंटे भी अगर पढ़ोगे ना क्लास 10th के लिए ना इनफ रहता है। क्लास 10th ऑनेस्टली बहुत ही सिंपल है एज कम्पेयर टू क्लास 12th, कुछ नहीं पढ़ना होता है 2 से 3 घंटे, इवन अगर 2 भी घंटे दोगे ना तो बहुत होता है। बस तुम्हें क्या करना है, जो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको सुनते रहना है एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, इतना इनफ रहता है। उसके बाद ट्यूशंस, क्या हम जाएं या फिर नहीं जाएं, मैंने क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में कभी भी ट्यूशंस नहीं लगाए, बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि यार मैं उतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं हूं तो मुझे ट्यूशन की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, सो इन दैट केस यू कैन गो टू द ट्यूशंस, कोचिंग जा सकते हो, ट्यूशंस जा सकते हो, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इन केस फिर भी कोई डाउट रहता है यू कैन डेफिनेट leave it in the comment section below. So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.